क्लीन अप में हमारा सबसे पहला स्टेप होता है क्लींजिंग का, तो मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालय का नीम फेस वॉश, और ये फेस वॉश ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, और इसका प्राइस है 15 रुपीज़, और इसमें आपको जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी मिलती है वो 15 ml की मिल जाती है। और इसको मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी, और फेस को थोड़ा गीला करके अप्लाई करना है और कुछ इस तरीके से क्लीन करना है 1 से 2 मिनट तक, और उसके बाद नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर लेना है। नाउ फॉर स्क्रबिंग आई एम यूजिंग हिमालय प्यूरिफाइंग नीम स्क्रब। इसका एक सैशे आपको 10 रुपीज़ का मिल जाएगा। एक सैशे को आप 2 बार यूज़ कर सकते हो। इसको मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई करके हल्के हाथों से ही स्क्रबिंग कर रही हूँ, कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको इस तरीके से कर लेना है। और ये हमारे डेड स्किन सेल्स जो होते हैं और ब्लैक हेड्स जो होते हैं उसको रिमूव कर देगा, और ये अगेन ऑल स्किन टाइप्स के लिए हैं। उसके बाद फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है मसाजिंग का, तो मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्स की क्रीम जो कि आती है 5 रुपीज़ की, जो कि बहुत ही अल्ट्रा अफोर्डेबल है। इसको मैं डॉट डॉट करके फेस पर अप्लाई कर रही हूँ, और हल्के हाथों से आपको इस तरीके से मसाज कर लेना है फेस पर। मसाजिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, बिकॉज ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और आप जो भी स्क्रबिंग करते हो उस दौरान आपके पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसाजिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इससे आपकी जो स्किन है वो बहुत ही स्मूथ हो जाती है और नेचुरली ग्लो करने लगती है। उसके बाद फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। फेस पैक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालय हर्बल प्यूरिफाइंग नीम फेस पैक, जो कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए है। इसको मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ, साथ ही साथ नेक पर भी आपको अप्लाई कर लेना है, और इसको आप 10 मिनट्स तक फेस पर रखें। जब ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा तो आप इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। सो गाइज़, मैंने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया है, और आप देख सकते हो फेस मेरा कितना क्लीन लग रहा है। मुझे ब्लैक हेड्स हो गए थे थोड़े नोज़ पर, तो वो भी कुछ हद तक रिमूव हो चुके हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा टोनिंग का, तो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे रोज़ वाटर, जो कि आपको 20 रुपीज़ का मिल जाएगा आपकी लोकल मार्केट में। इसको आप फेस पर इस तरीके से अप्लाई कर लीजिए। तो हमारा लास्ट स्टेप है मॉइस्चराइजिंग का, तो मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्स की मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो कि 5 रुपीज़ की ही आती है। इसको मैं डॉट डॉट करके फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। मॉइस्चराइजिंग बहुत ही ज़रूरी है गाइज, ये आपके स्किन टोन और टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, और आप इसकी जगह जॉय की फ्रूट क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, जो कि 10 रुपीज़ की ही आती है। सो गाइज, नाउ क्लीन अप इज़ डन। आप देख सकते हो मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है, और बहुत ही स्मूथ हो गई है मेरी स्किन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।